नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बधाई। कम से कम आपने पार्टी के बारे में आपने सोचा, यहाँ पे आए बात जानने के लिए। देखिए, हमारा जो मुद्दा है ना वो अलग है सबसे। दिल्ली सरकार जिस तरह से कह रही है कि हमने बहुत सारा विकास किया दिल्ली का, ये अधूरा सच है। दिल्ली में आपको भी पता है सबसे ज़्यादा मजदूर और किराएदार रहते हैं, रेड़ी पटरी लगाने वाले रहते हैं। ना इन्होंने कभी किराएदारों के लिए कुछ किया और ना ही मजदूरों के लिए कुछ किया, ना ही रेड़ी पटरी वालों के लिए किया। सही बात तो यह है कि मुख्यमंत्री बनाने में सबसे ज्यादा किराएदारों का हाथ था इनका। अरविंद केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो किराएदारों ने बनाया। मकान मालिक तो पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस में जुड़े हुए थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो किराएदारों को ही ये भूल गए। इन्होंने 2017 में हमारे मंच पे आके बोला था कि हम किराएदारों को बिजली, पानी और मकान देंगे, लेकिन ये पूरा कार्यकाल इनका निकल गया। इन्होंने कभी दोबारा पलट के किराएदारों के विषय में बात नहीं किया। दूसरी बात, अभी ये गारंटी कार्ड लेके आए हैं। आप इंटरनेट पे देखेंगे, यूट्यूब पे इनका वीडियो पड़ा है मेरे साथ में, मेरे मंच पे, अरविंद केजरीवाल का, जिसमें ये खुद कह रहे थे कि हम 2-3 महीने में बिजली का मीटर सबको दे देंगे, किराएदारों को मकान दे देंगे। लेकिन आज पूरा कार्यकाल निकल गया, इनके गारंटी कार्ड में भी जगह नहीं है। तो ऐसे में जो 70% आबादी है दिल्ली की किराएदारों की, ये इनको बिल्कुल भी वोट नहीं दे रहे हैं। केवल ये मकान मालिकों का वोट ले सकते हैं जिनका इन्होंने विकास किया, जिनको तीर्थ यात्रा पे भेजा, जिन वकीलों का इन्होंने 10-20 हजार वकीलों को 50 करोड़ रुपए दिया इन्होंने वेलफेयर के नाम पे, लेकिन 90 लाख किराएदार इनको दिखाई नहीं दे रहे। 90 लाख किराएदार रेडी पटरी लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। देखिए मैडम, मैंने कहा नहीं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी किराए पे रहती है, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो कुछ नहीं किया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी किराएदारों के लिए कुछ नहीं किया, और बीजेपी तो नाम ही नहीं लेती कभी। लेकिन हाँ, ये कि चुनावी दंगल चल रहा है, अभी सब लोग को पता है कि किराएदारों की अपनी एक पार्टी बन गई है, उनका एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी है, तो सभी लोग लुभावन बातें कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि लास्ट टाइम, अभी तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं है किराएदारों के लिए। किराएदारों के लिए कोई बोल बच्चन नहीं इनके पास, ना कोई योजना है इनके पास। ये केवल वोट लेने के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं किराएदारों। असल में मैडम, बहुत बड़ी संख्या में जब कोई तबका रहता है और उसके लिए जब कोई राजनीतिक पार्टी काम नहीं करता, तो एक चीज समझ में आता है कि जब वोटों की भाषा ही समझते हैं नेता, तो क्यों ना वोटों को ही अलग किया जाए। जो किराएदार समाज है, किराएदार जब कहते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल किराएदार ही है, उसमें रेडी पटरी वाले हैं, रोज दिहाड़ी के मजदूरी वाले हैं, कल कारखाने वाले हैं, इस तरह के मिडिल क्लास का पूरा फैमिली है। यहाँ तक कि जिनके पास 20 गज 50 गज की जमीन है, उनके 5 बच्चे हैं, उनको भी लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे भी बच्चों के लिए मकान की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे आंदोलन को 10 साल होने वाला है। 10 साल में हमने बहुत लोगों को जगाया, एक किराएदारों का एक नाम करके दिखाया दिल्ली में। इसलिए हमें पता है कि जिस तबके की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, जिनके लिए मैं लीडरशिप कर रहा हूँ, उसके लिए किसी पार्टी ने, किसी मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए सभी लोग इस बार नकारेंगे।